पाकिस्तान फौजी के आरोप है कि भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा के क्षेत्र में हालात बिगाड़ रहे हैं। भारत सेना ने हाल ही में फ्रांस से 5 रफेल फाइट जेट हासिल किए हैं। जल्द ही रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाले हैं। पाकिस्तान भारत सेना की बढ़ती ताकत से परेशान है। वहां की फौजी ने कहा, भारत अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ा रहे हैं, इससे दक्षिणी एरिया में शक्ति सुशांतली बिगड़ रहा है। हालांकि रफेल हो या S-400, हम भारत से निपटने को तैयार हैं। आज यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इसकी पूर्व संध्या यानी 13 अगस्त को पाकिस्तान के मीडिया विंग ISR के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेना के प्रवक्त मेजर जनरल बाबर इस्तरात खान ने कहा, पाकिस्तान फौजी के बजट पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यह सालों से लगातार घटता जा रहा है। सबसे पहले आपने इंडिया की डिफेंस प्रिपेयरनेस के बारे में बात की। मैं इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये बात भी करूँगा कि जैसे मैंने कहा कि इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो वो हथियारों असले की दौड़ में जो शामिल है। 5 राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। बहरहाल 5 आ जाएँ, 500 आ जाएँ, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तेदात पे किसी किस्म का शक नहीं है, और हमने इसको प्रूव भी किया है। सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट येस, जिस तरह से डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया कर रहा है, जो डिफरेंस हमारे डिफेंस बजट और इंडिया के डिफेंस बजट में है, ये इस इलाके के अंदर कन्वेंशनल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, और जब कन्वेंशनल बैलेंस अफेक्ट होता है तो चीज़ें किसी और डोमेन में चली जाती हैं। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये आवाज़ें उठती हैं कि पाकिस्तान फौज का बजट बहुत ज़्यादा है। हाल ही में एक स्टेटमेंट दी गई कि 84% बजट तो फौज खा जाती है। मैं आई एम श्योर आप लोग सब इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है, आपको बेहतर मालूम है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट क्या है। इस वक्त हम 17% पे हैं, वो भी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर इक्वली अपने स्वाद के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग लगातार नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही, और पिछले 2 सालों में तो जो डिफेंस बजट है उसने जो हम एक इन्फ्लेशन का एक क्वेश्चन रखते थे वो भी नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमारी दिफाई तैयारियों में कोई कमी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इवन विद दीज रिसोर्सेज वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक ऑन आर एनिमीज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आएँ, S-400 ले आएँ, ले आएँ, वी हैव आर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आर ओन आंसर्स टू एवरीथिंग। जी एहसानुल्लाह एहसान के बारे में जो ये कमेंट आया, जो भी